दैट इज कि चाइना ने किस तरह से पॉवर्टी को कम करा और इंडिया क्या कर सकता है। इसको आप यहाँ पे जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉवर्टी के साथ लिंक कर सकते हो। देखो पहले बात क्या हुई, बात हुई एक्चुअल में, देखो वर्ल्ड बैंक की अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बताया कि किस तरह से वर्ल्ड में ना एक्चुअली हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि गरीबी कम होनी चाहिए, पर गरीबी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? एक तो देखो पीछे उसके रीजन रहा पेंडेमिक, COVID-19 की वजह से डेफिनेटली जो भी हम स्टेप्स ले रहे थे पॉवर्टी को कम करने के लिए वो स्टेप्स हम नहीं ले पाए, उससे गरीबी बढ़ गई। बहुत सारे लोगों को जॉब लॉस हुआ पेंडेमिक के टाइम पे, उससे गरीबी बढ़ी। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस था उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को एज अ माइग्रेशन करनी पड़ी, डिस्ट्रेस माइग्रेशन थी, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। और हमारा जो गोल है ना कि 2023 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी अचीव करना है, उसके लिए एक मेजर सेटबैक लगा है। और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी अब यही है कि हम SDG 1 को अचीव नहीं कर पाएंगे, इस पॉवर्टी को हम जो हम चाहते थे कि पॉवर्टी को ख़त्म कर दें 2030 तक, उसको ख़त्म करना अब बहुत टफ होने वाला है। और देखो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के रिगार्डिंग भी वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पुअर लोगों की है दुनिया के अंदर, राइट? और यहाँ पर आप नंबर्स भी देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने डेटा लिया है CMIE का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, और ये देखा गया है कि 2020 जब COVID-19 पैंडमिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे तो पॉवर्टी कितनी बड़ी है, लगभग 56 मिलियन कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ठीक है? ऑल्दो देखो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ इंडिया की एक तरह से कह लो कि ये खराब चीज़ें बताई है, नहीं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव्स भी बताई हैं, जैसे कि टारगेटेड कैश ट्रांसफर्स जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए उन्होंने हेल्प किया है कि हम जो इस पॉवर्टी जो इतनी बड़ी है इसके साथ कुछ हद तक डील कर पाए। वर्ल्ड बैंक ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर, अगर हम इस चीज़ को कर पाएंगे, डोमेस्टिक रेवेन्यू को और अच्छे से मोबिलाइज कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे इंडिया अच्छा काम कर सकता है। तो ये बातें तो करी थी वर्ल्ड बैंक ने, पर हम देख लेते हैं कि राइटर और क्या बोलना चाहते हैं। राइटर बोलना चाह रहे हैं कि चाइना ने क्या अचीव किया, पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे कि चाइना ने 1978 से लेकर 2019 के बीच में लगभग 76 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है, और ये बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है ना? आप देख रहे हो कि नियरली जो चाइना ही एक मेजरली रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर जो पॉवर्टी कम हुई है उसके पीछे अगर सबसे मेजर रोल किसी ने प्ले किया है तो वो चाइना ने किया है। और इस चीज़ का ना आपको और पैरामीटर्स में भी मदद देखने को मिलेगी, किस तरह से, जैसे आप देख लो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बढ़ वो बढ़ गई, लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ गया, लोगों के हेल्थ लेवल्स बढ़ गए, तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ हमें देखने को मिलती हैं। और इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी चाइना ने एक छलांग लगाई है। इंडिया के केस में आप देख रहे हो पिछले काफी सालों से इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लगभग 130th के आसपास ही चल रहा है, कभी एक दो पॉइंट्स ऊपर हो जाता है, कभी एक दो पॉइंट्स नीचे हो जाता है, तो ये चीज़ हमें इंडिया में अभी तक नहीं देखने को मिली। अब पॉइंट ये है कि ये चाइना ने ये जो इतनी रिमार्केबल अचीवमेंट करी है इसके पीछे के रीज़न क्या थे? तो देखो इसके पीछे का पहला रीज़न तो ये है कि जो चाइना में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना वो एक रिस्पॉन्सिबल रहा, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आए गए, साथ ही साथ एक तरह की लो स्किल्ड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, तो फोकस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे इन्होंने रखा जिस वजह से एम्प्लॉयमेंट हुई। और एम्प्लॉयमेंट की वजह से चाइना ने क्या किया, जो फार्मिंग सेक्टर के अंदर ज़्यादा लोग थे उनको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर आए, और उस वजह से इन लोगों को अच्छे रोजगार मिले एंड उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो पाई है। इवन देखो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2019 का, उसने भी ये सेम चीज़ रिकमेंड करी है कि इंडिया को अगर फ्यूचर में ये चीज़ें वर्क करनी है ना तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो गया, लेदर हो गया, ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, यहाँ पर साथ ही साथ जो हमारे नेटवर्क प्रोडक्ट्स होते हैं इनके ऊपर अगर अच्छा काम करें तो इंडिया में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना, ये सारी चीज़ों ने चाइना को हेल्प किया है। उसी तरह से दूसरा क्या है, जो हमारे टारगेटेड एरियाज के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, अलग अलग सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज थी उन्होंने हेल्प किया है, ठीक है, जो सोशल इंश्योरेंस हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, पुअर हाउसहोल्ड के ऊपर फोकस रखना अपनी पॉलिसीज का, यहाँ पर इस तरह की पॉलिसीज इंडिया भी अगर अडॉप्ट करे तो डेफिनेटली पॉवर्टी को टैकल किया जा सकता है। इफेक्टिव गवर्नेंस, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन भी देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर बात करी है ह्यूमन कैपिटल की, देखो अगर कहीं ना कहीं फोकस होगा लोगों की हेल्थ, लोगों की एजुकेशन, लोगों की नई नई स्किल्स के ऊपर, तो ओवरऑल हमारी ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेगी एंड वो प्रॉपरली इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इवन ऑन द अदर हैंड आप देखो हमारी जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है वो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर भी
इसके थ्रू भी हम अपने चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल्स के लिए जैसे स्किल इंडिया मिशन हो गया, इस तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं। तो अगर इन स्कीम्स का हम प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन कर पाए तो हमारी इंडिया की ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। जो एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कल भी हमने डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा देखा, उसको अगर हम टैकल करें, इन सारे मुद्दों को अगर हम टैकल करें तो डेफिनेटली जिस तरह से चाइना काफी सक्सेसफुल रहा है पॉवर्टी को टैकल करने में, उसी तरह से इंडिया में भी यही सिमिलर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, एंड उन्हीं के बेसिस पे इंडिया भी आने वाले फ्यूचर में जो पॉवर्टी को कम कर सकता है एंड ओवरऑल ग्लोबल पॉवर्टी को कम करने में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान डेफिनेटली दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के चार एडिटोरियल। हमने डेफिनेटली इनको होलिस्टिक एंगल से समझने की कोशिश करी ताकि एक प्रॉपर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और मेंस के अंदर हम अच्छे आंसर लिख पाए। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।